राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी राजस्थान तक.com पर। लोगों को बुला बुला करके, भीड़ थी, सुरक्षा का घेरा था, उस घेरे में से बुला करके, और राहुल जी तो चाहते थे कोई किसी प्रकार का इस घेरा नहीं हो, कार्यकर्ता बिल्कुल मेरे साथ चले, तो इस प्रकार का माहौल है। तो राहुल जी अभी वर्तमान समय में जो देश के हालात है वो बहुत खराब है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इससे आम जनता त्रस्त है। आम तक नेताओं की आदत नहीं होती, आपकी उम्र तो 75 साल है, आप भी इसी तरीके से पैदल चल पाते, क्योंकि नेताओं की आम तौर पर आदत नहीं होती, हमेशा गाड़ी से सफर करते हैं, फिर एक दिन के अंदर 30 किलोमीटर लगातार इतने दिन तक चलना। सुबह 6 बजे 4 बजे उठ जाते थे और 6 बजे तैयार होकर के वहाँ यात्रा के जो शुरू होती थी वहाँ हम पहुँच जाते थे। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ दो, उसके बाद भारत जोड़ना। बीजेपी वालों का तो काम ही है नफरत फैलाना, आपस में किस तरह से लोगों को टकराना और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाना, यही बीजेपी का काम है। और आज देश के अंदर ना कोई साधन लगा करके भीड़ जुटाने का, ऐसा कोई लोग अपने आप ही, मैं कह रहा हूँ, रास्ते के अंदर खड़े थे, जगह नहीं थी, पांव रखने को जगह नहीं थी। इस प्रकार के महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, इस महंगाई के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा पहुंच गई है। उसके बाद ही जो मंत्री है हिमाराम चौधरी, जो कि लगातार यात्रा में इतने दिन तक 500 किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चले, 75 साल की उम्र है, आज यात्रा के बाद पहली बार अपने गृह जिले में लौटे हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि कैसा यात्रा का एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से, आमतौर पर देखा जाता है कि नेताओं की इतनी आदत नहीं होती कि लगातार पैदल चलने की। हिमाराम जी, जिस तरीके से ये यात्रा थी, क्या पहले सुन रखा था और उसके बाद में जब गए, इतने दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 4 तारीख को शाम को प्रवेश कर गई थी और 5 तारीख से सुबह से लेकर ये पूरे राजस्थान के 7 जिलों में यात्रा चली है। और इस यात्रा के दौरान इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा कि देखना है, देखते देखते मतलब इतना लोग इकट्ठे हो गए, इतनी किसी को उम्मीद नहीं थी और लोगों में खास करके बहुत उत्साह था, जोश था, उमंग थी। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू हो जाती थी और 6 बजे अंधेरा होता था, लेकिन 6 बजे से ही अपार भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और पूरे दिन सब जगह बहुत भव्य स्वागत यात्रा का किया गया। इस प्रकार की यात्रा देश की आजादी के बाद में ये पहली यात्रा देखने को मिल रही है। राहुल जी लोगों से मिल रहे थे, बच्चों से, बूढ़ों से, महिलाओं से और अलग अलग खिलाड़ियों से, हर तरह के लोगों से वो मिल रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, देश के हालातों के बारे में, स्थिति के देश के बारे में। अभी वर्तमान समय में जो देश के हालात है वो बहुत खराब है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इससे आम जनता त्रस्त है। इन बातों को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है और ये यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रही और इसमें सभी लोग जो नेता थे वो भी सब साथ चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी है, पायलट साहब है, मंत्री हैं, MLA हैं, संगठन के पदाधिकारी थे, सब लोग यात्रा में चल रहे थे और अपार जन समूह साथ यात्रा में शामिल थे। मैडम जी, आम तक नेताओं की आदत नहीं होती, आपकी उम्र तो 75 साल है, आप भी इसी तरीके से पैदल चल पाते, क्योंकि नेताओं की आम तौर पर आदत नहीं होती, हमेशा गाड़ी से सफर करते हैं, फिर एक दिन के अंदर 30 किलोमीटर लगातार इतने दिन तक चलना। सही बात है, इतने चलने का काम ही नहीं था नेताओं को पैदल चलना। ये पहली बार राहुल जी 4 तारीख को राजस्थान में प्रवेश कर गए तो 5 तारीख से सुबह से जो राजस्थान के जितने भी नेता थे वो भी उस यात्रा में शामिल थे, मैं भी उस यात्रा में शामिल था और सुबह 6 बजे 4 बजे उठ जाते थे और 6 बजे तैयार होकर के वहाँ यात्रा के जो शुरू होती थी वहाँ हम पहुँच जाते थे। तो प्रथम चरण में लंच से पहले उसमें शामिल हो जाते थे, बीच में टी ब्रेक होती थी और लंच के बाद में फिर दोबारा यात्रा शुरू होती थी, उसके बाद में एक टी ब्रेक और होता था, बीच में एक समय यात्रा निकली तो उसमें 2 टी ब्रेक हुए दोसा के अंदर। तो बहुत ही आनंद आ रहा था उस यात्रा में और लोग, बच्चे, बूढ़े,
सब वहां पर इसका स्वागत कर रहे थे, मकानों के और छतों के ऊपर चढ़ करके साथ में चल करके नारों के साथ में, बहुत उत्साह था लोगों में। और मालाखेड़ा में जो सभा हुई उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए थे। तो वहाँ पर राहुल जी ने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए लोगों के बीच में आए हैं, लोग नफरत फैलाते हैं, हम नफरत की जगह पैगाम भाईचारा प्रेम मोहब्बत ये लोगों में हो, ये हम लोगों के बीच में संदेश देने के लिए। हेमाराम जी, राहुल गांधी की छवि को लेकर ऐसे बहुत से नेताओं ने इसलिए कांग्रेस छोड़ दी थी कि राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं, राहुल गांधी विदेश में चले जाते हैं। इस बार आप लोगों ने राहुल गांधी को बहुत करीबी से देखा है, ऐसे इससे पहले कभी मौका भी नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर कभी मिले भी होंगे तो एक या दो मिनट के लिए मिले। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में जो छवि है वो सही है या जो अभी देखा वो सही है? 4 तारीख को शाम को राजस्थान में प्रवेश कर गए थे, 5 तारीख से जब यात्रा शुरू हुई तो यात्रा के दौरान चल रहे हैं यात्रा में और चलते हुए यात्रा में सब तरह के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे हर तरह की बात उनको पूरी तरह से सुन रहे थे, लोगों को बुला बुला करके, भीड़ थी, सुरक्षा का घेरा था, उस घेरे में से बुला करके। राहुल जी तो चाहते थे कोई किसी प्रकार का इस घेरा नहीं हो, कार्यकर्ता बिल्कुल मेरे साथ चले, तो इस प्रकार का माहौल है। तो राहुल जी के बारे में जो इस प्रकार की कोई धारणा थी वो गलत थी। इतना पैदल मतलब कोई आदमी दूसरे जो हम लोग थे, दूसरे नेता लोग थे, वो उसमें बहुत कम लोग राहुल जी के साथ पूरे समय तक चले। वो बीच में कभी प्रथम चरण में चले, द्वितीय चरण में नहीं चले, या प्रथम और द्वितीय एक दिन चले तो दूसरे दिन नहीं चले, लेकिन राहुल जी तो लगातार चलते ही रहे और कभी उन्होंने थकान महसूस नहीं की। अच्छा सर, एक चीज रही, जिस तरीके की यात्रा थी, आमतौर पर भीड़ जब भी कार्यक्रम होता है तो भीड़ को बुलाना पड़ता है, इससे पहले ऐसा ही होता है कोई कार्यक्रम होता है, इस यात्रा के लिए भी भीड़ बुलानी पड़ती थी? नहीं, इस बार कोई इस तरह की यात्रा को बुलाने का कोई साधन लगा करके भीड़ जुटाने का ऐसा कोई, लोग अपने आप ही, मैं कह रहा हूँ रास्ते के अंदर खड़े थे, जगह नहीं थी, पांव रखने को जगह नहीं थी, इस प्रकार के सब तरह के लोग थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, और जो जो खिलाड़ी इस तरह के वो भी थे, अलग अलग जो भी थे लोग, सब तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ दो उसके बाद भारत जोड़ना। बीजेपी वालों का तो काम ये नफरत फैलाना, आपस में किस तरह से लोगों को टकराना और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाना, यही बीजेपी का काम है। और आज देश के अंदर महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, इस महंगाई के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं, और बेरोजगारी की तो कोई सीमा ही नहीं। आज बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देने की बात है तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियरिंग किए हुए, MBBS किए हुए लोग घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और लोगों के बीच में जा करके लोगों से, लोगों के मन की बात सुन करके उस पर आगे क्या कदम उठाना है पार्टी को, ये सब उन्होंने खुद महसूस किया।